नमस्कार, आप देख रहे हो दितराज न्यूज। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ पिंकी। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। कानपुर नगर में एडीजी 6 अवनीश द्विवेदी ने जहर खुरानी में अभियुक्त सनी उर्फ कमल तथा रेशमा उर्फ मरजानी को धारा 328, 394 व 411 के तहत आईपीसी में जीआरपी कानपुर नगर में दर्ज था, जिसमें 3 वर्ष 6 माह की सजा व 5,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया। जितेंद्र कुमार पांडे सहायक जिला शासकीय अभिवक्ता फौजीदार। पेशे उदित राज न्यूज से संवाददाता महेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट में आइए देखते हैं क्या है खास। जितेंद्र कुमार पांडे सहायक जिला शासकीय अभिवक्ता फौजदारी, आज एडीजे 6 अवनीश द्विवेदी की कोर्ट ने मुकदमा अपराध संख्या 8/22 जो जीआरपी कानपुर नगर द्वारा बादी शैलेश साहनी, जिसको अभियुक्त सनी कमल और मरजीना ने जहर दे करके खाने में जहर दे करके उससे लूटपाट की थी और बाद में पुलिस ने 12/1/2022 को उसको गिरफ्तार किया था स्टेशन से, और स्टेशन से ही उसको पकड़ करके थाने में लाई थी और वहां से उसके माल बरामद किया था, जिसके आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ। और आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद PW1, PW2 साक्ष्य प्रेषित होने के बाद सनी कमल और रेशमा और मरजीना ने अपने जुर्म को इकबाल किया। माननीय न्यायालय ने अभियुक्तों को धारा 328 में 3 वर्ष की सजा, 394 में 3 वर्ष 6 माह की सजा और 411 में 1 माह की सजा तथा 5,000 रुपये दोनों पर जुर्माना से दंडित किया है। धन्यवाद। एडीजे 6 अवनीश द्विवेदी ने जहर खुरानी में अभियुक्त सनी उर्फ कमल तथा रेशमा उर्फ मरजीना को धारा 328, 394, 411 आईपीसी में जो जीआरपी कानपुर नगर में दर्ज था, मैं 3 वर्ष 6 माह की सजा तथा 5,000 रुपये से दंडित किया है। कैमरामैन आशीष पंडित के साथ महेंद्र शुक्ला, उदित राज न्यूज कानपुर। उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।